अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद आबिदा नाज। आज हम बहुत ही मज़े की साबत मसर की दाल बना रहे हैं, जो मेरे स्टाइल में है। बहुत ही मुनफरद और बहुत ही मज़े का है इसकी रेसिपी। आप देखें कितनी मज़े की बनी है। चलें तो मेरे साथ आज बनाते हैं साबत मसर की दाल। इसके इंग्रेडिएंट्स आपको मैं साथ ही साथ बताती चली जाऊंगी। मैं इसे कुकर में चढ़ा रही हूँ। मैंने एक बड़ा खाने का चम्मच घी और एक बड़ा कटा हुआ प्याज गरम घी में डाल दिया है। अब इसे मैं सुनहरा होने तक पकाऊंगी। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब मैं इसमें दो टी स्पून में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। ये एक मैंने प्याले में 500 ग्राम साबत मसर, उसमें 100 ग्राम लाल मसर यानी कि धुले हुए मसर भिगो के रख दिए हैं। इसमें आधे मैंने साबत इसने लाल मसर की दाल भिगोई है कि इसमें ना एक अच्छा सा लुक आती है, इसमें एक यानी कि वो हो जाता है, थिकनेस आ जाती है। ये 2 टीस्पून मैंने डाले इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे 2 से 3 मिनट मैंने इसको बस हल्का सा फ्राई करना है। इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी 6 से 7 अदद बड़ी मोटी देगी मिर्चें और 1 टीस्पून ज़ीरा डालूंगी। बस इसे 1 मिनट तक, ये 10 से 12 अदद मोटी मिर्चें और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा है। इसे हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही मज़े की बनेगी, मेरे तरीके से बनाइएगा आप। अब एक कटा हुआ मोटा टमाटर है मेरे पास, अब इसे मैं ऐड कर रही हूँ। इसे गल जाने तक पकाना है। इसमें 10-12 अदद मैंने कड़ी पत्ते डाल दिए हैं, जो मैंने सुखा के अपने घर के तैयार करके रखे हैं। ये 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून नमक है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा साथ इसके में पानी ऐड कर दूंगी ताकि मसाले मेरे जल ना जाए। अब मसालों को मैं अच्छे से भून लेती हूँ जब तक कि घी बिल्कुल अलग ना हो जाए मसाले से और ये टमाटर मेरे बिल्कुल अच्छे से गल ना जाए। साथ साथ चम्मच के आप इस तरह जो आपको दिखे कि हाँ इसे वो नरम हो गया है तो आप इसे मैश करते रहें। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। इसे हम चावल के साथ भी बनाते हैं और इसे हम पराठा या रोटी के साथ खाएं तब भी ये बहुत ही मज़े की दाल बनती है। चलें, हमारा मसाला रेडी है तकरीबन। अब हम इसमें ऐड करते हैं दाल जो हमने भिगो के रखी हुई है, एक घंटा तकरीबन हमने भिगो के रखी है। अब इसमें हम जिस प्याले में हमने इसे भिगो के रखा है इसका 1.5% हम पानी डालेंगे, यानी कि एक प्याला भर के और एक प्याला ही या आधा पानी का इसमें डलेगा। बस इसे हमने भूनना वगैरह नहीं है, अब इसमें हमने पानी ऐड करके कुकर में इसे चढ़ा देना है। तकरीबन आधा घंटा इसको हमने बनाना है, आधे घंटे से पहले हमने इसे नहीं खोलना। और पानी कुकर में ज़्यादा ऐड ना करें क्योंकि कुकर में बहुत अच्छे से दालें जो हैं गल जाती हैं जल्दी और पानी खुश्क नहीं होता। ये हमने एक प्याला ऐड कर दिया। और ये इसने हम हाफ प्याला और ऐड कर रहे हैं। चलिए, हम कुकर को बंद करके आधे घंटे के लिए हम इसे दम देते हैं। ये देखें दाल हमारी कितनी अच्छी बन के रेडी है, कितनी प्यारी और थिक दाल बनी है, एकदम से मज़े का लुक आ रहा है, धुआंधार सी खुशबुएं आ रही हैं। चलिए मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मैंने साथ में चावल भी बना के रखे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे।
ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी मेरी दाल बनके रेडी है। बहुत ही मज़े की ये दाल है। इसमें हमने तकरीबन कड़ी पत्ता डाला, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।